हस्बैंड्स का मुंह है ना वो पत्नी के सामने सिर्फ उबासी लेते वक्त खुलता है। मुझे डर इस बात का है कि मेरे मरने के बाद मेरा मोबाइल किसके हाथ लगेगा। मैं आपके लिए आपकी शान में साउथ में वो नाद स्वरम होता है वो बजाना चाहूंगी। लता दीदी का गाना है तो मैं आशा करती हूँ कि नहीं, वैसे तो मैं लता करती हूँ लेकिन मैं लता करते हुए आशा करती हूँ कि इसी तरह गाते रहो, सबका दिल बहलाते रहो। आशीर्वाद आशीर्वाद। वो वेलकम का डायलॉग है ना, ये किस लाइन में आ गए आप? व्हाट इज दिस यार, हाउ कैन यू बी सो परफेक्ट यार, दिस इज मतलब नॉट गुड यार, यू शुड यू कम विद मी टू मुंबई यार, मुंबई आ जाओ। और मैं तो कह रही हूँ कि आप ना छोड़ दो ये सब, सिंगिंग में लग जाओ, सिंगिंग में लग जाओ। मतलब बीच बीच में जो आलाप दे रहे थे, बीच बीच में बहुत पक्के सुर लग रहे थे आपके, बहुत मजा आया। और देखिए क्या है ना, कभी कभी हमें अपनी खूबियाँ पता नहीं चलती है लेकिन लग रहना चाहिए। देखिए सैनिटाइजर को ले लीजिए, वो मेडिकल खानदान का वो बेरोजगार था जिसकी अचानक सरकारी नौकरी लग गई। धीरे धीरे एक एक सिंगर आएंगे। बेटा अर्जुन, अरे तुम तो अर्जुन हो ना, करण कहाँ है बेटा? ए वो करण है, आप भी आएंगे स्टेज पे? ये दाढ़ी वाला करण कौन है? तो अगले को बुलाएंगे।